या देवी सर्वभूतेषु मां ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो लाल देख लालील से हर हर घर लाल वज्र दे दानव दल जय 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 कपिसु हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो चिंते लगाए दास आ गयो शरण में रखियो मारी ला सीता लज्जा देश की और राम अटल विश्वास तुलसी रामायण रचते हम तुलसी के हम तुलसी के दा हम तुलसी के दा। आइए पूरा प्रांगण राम में है, 2 मिनट राम नाम का गुणगान करें, उसके बाद जैसी प्रभु क्षा गाइए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया
चाहता हूँ कितने लोगों को ये छपाई आती है। जरा हाथ खड़े करें एक बार सीधे, कितनी देर बैठे हैं राम जी की सेवा में, दोनों हाथ खोल कर गाइए मेरे साथ, बोलिए रख कुल रीत हो प्राण जाए पर वचन न जाए। राम राजा 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 राम रा
साता जरा बताओ एक बार, ये ताली बह के बोलना कहना क्या बात है। मेरा आप के कृपा से सब काम हो रहा। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल मेरा आपके। अरे करते हो मेरे राग, करते हो मेरे राग, मेरा आपकी कृपा से कभी 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 कहने का मन नहीं करता कि फिर मांगे मिल रहा है। कभी ऐसा महसूस नहीं होता आपको, मुझे बड़ा होता है, मुझे तो मुंह चलाने भी नहीं पड़ता। मैं सोचता हूं मन में उससे पहले देने का, धन दौलत क्या मां
मुस्कान यदि तुमने मैं रुपया पैसा आपसे क्या मांगूं, आपने अरबों करोड़ों की मुस्कान मेरे चेहरे पे बना रखी है। ये रुपये पैसे को गुरु जी कहते हैं ना कथा में, रुपये पैसे ये पैसे वाले अरबोंपति खरबोंपति बिस्तर पे बेचैन मिलते हैं, रात को गोलियां खा खा के सोते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु का प्यारा होता है, शायद समाज की नजर में जिसे दौलत कहते हैं, वो दौलत उसके पास नहीं होती, लेकिन प्रभु की कृपा उसके पास होती है, चैन से सोता है। और क्या मांगूं मैं तुमसे, इतनी कृपा तुमने मुझ पे करी है, धन दौलत क्या मांगे, मुस्कान यदि तुमने, और इससे बड़ी पहचान नहीं मिलेगी, हमें तेरे बच्चों की पहचान यदि तुमने। आज हम गर्व से कहते हैं हम खाटू वाले, हम गर्व से कहते हैं हम बागेश्वर वाले, हम गर्व से कहते हैं हम सनातन वाले। जय श्री राम, जय श्री राम। किस्मत किस्मत को बदलते हो, किस्मत से क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। अगली लाइन है, कौन कौन बोल सकता है, मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। बोलो साचे दरबार के, ये सारा प्रेम का चक्कर है साहब, प्रेम सुनो साचे दरबार की, सच्चे दरबार की, श्री बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की जय हो, सन्यासी बाबा की जय हो, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। तो जरा हाथ खड़े करके बोलिए, ओ मेरी झोपड़ी के
पावन दरबार के मेरा परम सौभाग्य कि आज मैं
इस धाम में पहली बार आया हूँ और कहते पहली बार आने वाले की लॉटरी लग गई है मेरी। तो मैं मानता हूं कि बड़ी कृपा है बालाजी महाराज श्री मेरे पे। हे श्याम बाबा, ये आपकी कृपा का असर है कि मेरे जैसे इंसान की लॉटरी लग गई। नहीं तो लोग सालों से आ रहे हैं और पीछे से पीछे ही रह जाते हैं। आपने क्या कृपा करी है, कृपा का कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुदेव आपकी कृपा का। आइए चलिए आज ये मैं मेरे मन के भाव बोल रहा हूं, जो मेरे को लग रहा है कि मेरे पे इतनी कृपा थी नहीं जितनी तूने कर दी। मेरे ऐसे कर्म नहीं थे। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि इस धाम में बैठे हैं। पूरा भारतवर्ष संस्कार चैनल के माध्यम से घर में बैठकर देख रहा है कि इतना अद्भुत महोत्सव हो रहा है और हम जा नहीं पा रहे। आप पर कृपा हुई कि आपको बुला लिया सरकार ने। एक बार जरा खड़े हाथ करके खड़े धन्यवाद कर दो। मालिक तेरा बड़ा धन्यवाद। सन्यासी बाबा की। मेरा गाया हुआ एक भजन जो पूरे देश में बड़ा प्रसिद्ध हुआ, आदरणीय सरदार अली जी ने इसको लिखा है और गाया भी है। बड़ी कृपा हुई, मुझको भी गाने का सौभाग्य मिला। आइए सुनाता हूं आपको। ये तेरा खोटा सिक्का सरे आम चल रहा है, ये तेरा खोटा सिक्का सरे आम चल रहा है। तेरी रगमतों का किस्सा सर शाम चल रहा है, तेरी रगमतों का किस्सा सर शाम चल रहा है। ये तेरा खोटा सिक्का सरे आम। मुझे एक बात बताएंगे आप लोग, आपको आप कृपा की परिभाषा क्या देते हैं? आप कृपा को कैसे परिभाषित करते हैं कि इस इंसान में कृपा है? उसके बैंक बैलेंस से, उसकी फैक्ट्री से, बंगले से, कार से, ये कृपा का क्राइटेरिया है? इसे कृपा कहते हैं? हाँ या ना? ये कृपा है क्या कि आप गरीब थे आप अमीर बन गए? ये कृपा है? इसे कृपा कहते हैं? मेरी नजर में इसे कृपा नहीं कहते। ये कृपा नहीं है। कृपा मेरी नजर में किसको कहते हैं जानते हैं? मेरी नजर में कृपा उसको कहते हैं कि दुनिया वाले आपके बारे में ये बात करने लगे कि इसकी इतनी औकात नहीं थी जितना मालिक ने इसको दिया है। जब दुनिया वाले आपके पीछे आपके बारे में कहने लगे इसकी इतनी औकात नहीं थी जितना भगवान ने दे दिया, जब बाजार में आपकी 54 रुपए में चलने लगे, तो आप समझ लेना आपके पे कृपा है। और देखो भैया, हमारी 54 रुपए 2 रुपए में नहीं, हम अपनी मानते हैं, हमारी 54 10 रुपए में चल रही है। किस किस के साथ ऐसा है जरा बताओ एक बार, है ऐसा तो गाओ एक बार। ये तेरा खोटा सिक्का सरे आम चल रहा है। आइए कौन कौन तैयार एक बार, 1 2 3 4। Oh,
ਅਖੋਟ ਸਿੱਕਾ ਹਾਜੀ ਏ ਤੇ ਅਖੋਟ ਸਿੱਕਾ ਸਾਰੇ ਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ सारे आम चल रहा है जरा दोनों हाथ खोलना और ये तालियां बजाना एक बार ये दोनों हाथ की डाली एक दो तीन चार सिक्का सरे आम चल रहा है जरा जरा बताओ कितने दीवाने आए हैं यार कितने दीवाने आए बागेश्वर धाम के जो दीवाने आए हैं वो हाथ खड़े करना और बोलना कहना दीवाना 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 धाम के बागेश्वर धाम के दीवाने हो गए हम
हमें पागल बना दिया। बिना कोई मुझे भाता नहीं, तेरे बिना चैन मुझे आता नहीं, तेरे बिना कोई मुझे भाता नहीं। कहते गए जिधर देखो उधर इसके बीमार बैठे हैं, जिधर देखो उधर इसके बीमार बैठे हैं, और हजारों लाखों अब तो मर चुके, करोड़ों तैयार बैठे हैं। तेरे बिना चैन मुझे आता नहीं, तेरे बिना कोई मुझे भाता नहीं, तेरे बिना चैन मुझे आता नहीं, ओ तेरे बिना कोई मुझे भाता नहीं। ओ लब पे तेरे की पसाने हो गए, ओ लब पे तेरे की पसाने हो गए, ओ लब पे तेरे की पसाने हो गए, बागेश्वर धाम के दीवाने हो गए। दोनों हाथ खोल के बोलना, लहर 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 आए रे ठंडा बजरंग बली, लहर लहर आए रे ठंडा बजरंग बली का, लहर 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 आए रे ठंडा बजरंग बली का, लहर 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 आए रे ठंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का ठंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का, लहर 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 आए रे झंडा बजरंग बली का, लहर 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 आए रे झंडा बजरंग बली का। अरे तालियां बजा दो ना हाथ करके भागे खुशहाल कर गए, कमाल कर गई रे खुशहाल कर गए, सन्यासी बाबा की भभूति कमाल कर गए, ओ मेरे बाबा की भभूति कमाल कर गए, कमाल कर गई रे खुशहाल कर गए। भभूति का चमत्कार किस किसने देखा है, किस किसने तो जरा जोर से बोलना, क्या सन्यासी बाबा की भभूति, सन्यासी बाबा की भभूति, सन्यासी बाबा की भभूति कमाल कर गई, कमाल कर गई रे खुशहाल कर गए, कमाल कर गई रे तू निहाल कर गई, निहाल कर गई माला माल कर गए, निहाल कर गई माला माल कर गई।
में कहां नाचोगे? अरे खड़े कर हाथ, ऐसे हाथ खड़े करके बोलो कमाल कर गई रे, खुशहाल कर गए, कौन कौन कराने आया है
और वारे न्यारे क्यों हो जाए, क्यों आए आपके दरबार में? क्योंकि आज की दुनिया अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुखी है। तो आज बागेश्वर धाम आए हैं, आज ऐसी 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 कृपा कर दो, मेरी लागी नजर उतार दे, मेरे हो जय वारे नारे। तेरा बागेश्वर दरबार, तेरा बागेश्वर, तेरा भगत बड़ा उपकार, तेरा एक एक गिनवा दू सारे, बाबा ऐसा मंत्र मार दे। कौन कौन जाता है बारिये बारिये, एक दो तीन बाबा, बस इतने में हमारा काम। मेरे सर का तार दलिद्र और दरकार का एक, अरे मोटी की नहीं कोठी की, दरकार के कोठी की, संग इंपोर्टेड फर्नीचर। और आएगा कैसे बोलो बाबा, जोर से बोलो बाबा, ऐसे मजा नहीं आया बोलो बाबा, ऐसे भी नहीं बोलो बाबा, अरे बोलो ओ बाबा।
मेरा बैंक बैलेंस सुधार दे। आप पद में बड़े लेकिन उम्र में मेरे से छोटे ही होंगे। इधर आ जाओ। अरे कौन कौन तैयार है? बाबा ऐसा बंतर मार दे। और सुनो सुनो बागेश्वर वाले का बागेश्वर वाले का सारे जग में डंका बाजे बागेश्वर वाले का सारे जग में डंका बाजे सन्यासी बाबा का सारे जग में डंका बाजे सन्यासी बाबा का सारे जग में डंका बाजे ये वाले न्यारे हैं करता ये वाले न्यारे हैं करता भक्तों की झोली को भरता भक्तों की झोली को भरता बागेश्वर वाले का बागेश्वर वाले का सारे जग में डंका बाजे बागेश्वर वाले का सारे जग में डंका बाजे। अरे तालियां बराबर बार ये ताली बजे एक दो तीन चार। इतने सारे भगत आए हैं शायद मैं भक्तों के मन की बात कर रहा हूं। आने जाने की सवारी मन एक दिला दे प्यारी सारी उम्र घसीटी साइकिल मेरी कमर टूट गई सारी बोलो बाबा अपना मॉडल अपग्रेड करा लेना भाई किसी के पास एल्टो हो एक्सयूवी मांग लेना किसी के पास एक्सयूवी हो वो और बड़ी मर्सिडीज जिसके पास मर्सिडीज है वो हेलीकॉप्टर मांगेगा बोलो बाबा बाबा ओ बाबा मन लाल फरारी कार दे। तुम्हें चेतक ना टू जी मन चस्का लाल भरारी का चेतक ना टू जी नहीं चस्का लाल भरारी का तो चेतक ना टू जी मन चस्का लाल भरारी का चेतक ना टू जी नहीं चस्का लाल भरारी। ये सब फालतू की चीजें थी सुनो मानो
सारी चीजें। अब एक चीज जो बागेश्वर धाम से आपको लेके जानी है, क्या लेके जानी है? मैं आज एक दिन रुका हूं, एक दिन में बड़ी कृपा हुई मुझ पर, जो 9 दिन रुकेंगे उनका तो क्या कहना। सुनिए, तू खोल दे अपना लॉकर, ये आप सब गाओ, तू खोल दे अपना लॉकर, मेरा सॉलिड बना दे फ्यूचर। सारी दुनिया इसी चक्कर में लगी है, हमारा भविष्य कैसे। अरे दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं। दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं। और आप मुझसे भी पर्दा करें, अब किसी का भरोसा नहीं। कल ये मेरे भी आंगन में थी जिसको तुझ पे गुरूर आज है, कल ये मेरे भी आंगन में थी जिस पे तुझको गुरूर आज है, कल ये शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं। एक पल का भरोसा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी भगवान के चरणों में आकर कहता, भगवान मेरा भविष्य सुनहरा कर दो। रात दिन मुश्तकिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने, इतने दुख जिंदगी के लिए और इसी का भरोसा नहीं। तू खोल दे अपना लॉकर, मेरा सॉलिड बना दे फ्यूचर। लक्ष्मी दादा, लक्ष्मी कुबेर, लक्ष्मी कुबेर तेरे कैशियर, फाइनेंस का नहीं तुझे डर। अब अगली बार मैं मांगने आया हूं आज दरबार में, मुझे पक्का भरोसा है अगले साल आऊंगा या अगले महीने जब आऊंगा तो ये अर्जी पूरी मिलेगी। आपके भी, आप भी मांग लीजिए, मेरा सारा कर्ज उतार दे, मेरा सारा कर्ज, मेरे हो जाए वारे न्यारे, मेरा सारा कर्ज उतार दे, मेरे हो जाए वारे न्यारे। आप सबको मैं बोलता हूं गुरुदेव की एक लाइन, जिस लाइन पे एक भजन बनाया गुरुदेव, सबसे पहला भजन बनाया, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बनाया, वो नमस्ते दुआ और सलाम का नहीं, वो नमस्ते दुआ और सलाम का नहीं, मेरे लिए उस इंसान की कोई कदर नहीं है, चाहे वो मेरे धर्म का क्यों ना हो, जो मेरे राम को नहीं मानता। जो मेरे राम में आस्था नहीं रखता, वो मेरे धर्म का क्यों ना हो, मेरे लिए बेकार है, लेकिन मेरे लिए हर उस इंसान की और उस धर्म की कीमत है जो मेरे राम में आस्था रखता है। कोई धर्म वाली बात नहीं, कोई पार्टी वाली बात नहीं, लेकिन हाँ, वो नमस्ते दुआ और सलाम का नहीं, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं किसी, जो राम का नहीं किसी, जो राम का नहीं किसी काम। देखा गुरुदेव के आते ही, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, वो नमस्ते दुआ और सलाम का नहीं, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। कितने तैयार हैं ये बात कहने को, गुरुदेव की बात के समर्थन को, दोनों हाथ खोल के, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं। किसी काम का नहीं।
दुनिया के लोग हमें कितना भी कोसे, दुनिया के लोग हमें कितना भी कोसे, रगते हैं बस हम राम के भरोसे, रगते हैं बस हमें राम के भरोसे, ओ दुनिया के लोग हमें कितना भी कोसे, दुनिया के लोग हमें कितना भी कोसे, अरे रगते हैं बस हम शीतल और राम से सरल है, कहते ना जब राम भगत एक हो जाए तो बड़ी से बड़ी मीनारे की गिर जाया करती है, तो छोटी मोटी चीज थी। चढ़ मुगलों की छाती पर हमने भगवा लहराया है, चढ़ मुगलों की छाती पर हमने भगवा लहराया है। अरे कब्र से जाग के देख ले बाबर, मंदिर वहीं बनाया है। जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, जो अंत में दो शब्द, और शायद आज ये भजन सार्थक हुआ है। गुरुदेव आपके सम्मुख आज गाने का मौका मिला। छोटी सी बात तुम्हें सोनू बताए, छोटी सी बात तुम्हें सोनू बताए, जो राम को मनाए वही हनुमत को भाए, राम के बिना वह हनुमान का नहीं, जो राम का नहीं। जो राम का नहीं। मेरे जीवन में ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। गुरुदेव बैठ जाओ, जैसी शख्सियत हो वैसा ही गाना चाहिए। गुरुदेव सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा आपसे, ऐसा क्या काम किया, प्लीज मर्यादा रखिए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज हाथ जोड़कर प्रार्थना।
जब झोली भरने की बात आती है तो नाचा नहीं जाता है, उस समय झोली फैला के बैठ जाया जाता है, क्या पता कब कृपा हो जाए। साधु जी बड़े विश्वास से, पूरा देश देख रहा होगा गुरुदेव, बस इतना कहना चाहता हूं आपसे, जब तक ये सांस रहे ना अपनी सेवा में लगाए रखेगा। बस आपसे ना रुपया मांगने आया हूं, ना पैसा मांगने आया हूं, ना इज्जत मांगने आया हूं, ना सम्मान मांगने आया हूं, बस अपने चरणों की धूल बनाकर रखेगा। बस ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तुमने थाम लिया। मेरी दुनिया बदल दी तुमने, मेरी दुनिया बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। आज बहुत दोस्त मिलेंगे मुझे, आज बहुत पूछने वाले मिलेंगे, बड़ा सम्मान करने वाले मिलेंगे, लेकिन गुरुदेव मैंने मेरे जीवन में एक ऐसा दौर देखा है, एक वक्त की रोटी खाई है तो दूसरे वक्त की मिली नहीं है। हमारे अपनों ने हमें छोड़ दिया था, सिर्फ इनके नाम का सहारा था, जिस सहारे से आज यहां तक पहुंचा हूं। गरीबी तोड़ देती है रिश्ते जो खास होते हैं, पराए भी अपने होते हैं जब पैसे पास होते हैं। सिर्फ एक ही बात कहनी है आपके चरणों में, और वो ये कि आपका स्नेह प्यार और ये जो नाम गाने की भीख मुझे मिली है, इस भिक्षा को कभी मुझसे छीनिएगा नहीं। इस जमाने में मैं अकेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया न सताए उसको जिसे अपना तुमने मान लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तुमने था। दीन दुखियों का तू सहारा है, डूबती नाव का किनारा है, तेरी नजर जो जिस पे पड़ जाए फिर कभी भी उसे रोने न दिया। कहते हैं जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है, हम दर्द नहीं कोई अपना दुनिया में दिखाई देता है, माँ बाप निकम्मा कहते हैं और बहन भी आंख दिखाती है, भाई भी बुरा मुंह करते हैं, भाभियों को नफरत आती है, बेटे भी बिगड़ते हैं बेघर, घरवाली जिगर जलाती है, अपने बेगाने हो जाते जब गर्दिश रंग दिखाती है। इज्जत को करने वाले भी इज्जत उछालते फिरते हैं,
इस सर को झुकाने वाले भी इसी सर को काटते फिरते हैं। भाई बंधु कुटुंब कबीले ये झूठे जक्के नाते हैं, दुनियादारी दिखलाने को बस मरघट तक जाते हैं, रिश्तेदार नमस्ते कहकर अपना पिंड छुड़ाते हैं, कहते हैं नाता दूर का है, पानी तक नहीं पिलाते हैं, पानी तक नहीं पिलाते। उस समय कोई अगर आपकी बांह पकड़ता है तो वो जिसको आप सबसे बाद में याद करते हो, और फिर आप कहते हो इतना कौन करता है किसी के लिए जितना तुम करते हो हमारे लिए। मैंने देखा है एक एक घंटे सो रहे हैं, एक एक घंटे, ज्यादा सानिध्य नहीं मिला है, एक घंटे डेढ़ घंटे दो घंटे रात को कहीं भी निकल जाते हैं किसी भगत की परेशानी में, कहीं कहीं कहीं। इतने तो हमारे अपने नहीं करते थे हमारे लिए जितना गुरुदेव आपकी कृपा बरस रही है। इतना कौन करता है किसी के लिए जितना तुम करते हो हमारे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, थोड़ी देर ठहरो राम, थोड़ी देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ओ अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, देखा नहीं है, देखा नहीं है, थोड़ी देर ठहरो राम, थोड़ी देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के, जरा दोनों हाथ बोल के, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। आप सोच रहे हो आपने ही बोला ऐसा ना,
बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी बोला है। किस किस ने बोला है? सुनो, एक रोज की कहानी सुन लो मेरी जुबानी, एक रोज की कहानी। दरिया के किनारे संतों का जमघटा था, जहां तुलसी पधारे। तुलसी ने कहा आज यहां राम आएंगे, तुलसी ने कहा आज यहां राम आएंगे। चंदन हम किसके उनको माथे लगाएंगे, चंदन को घिसते घिसते भी होशी सी छा गई। श्री राम कहते कहते उनको नींद आ गई। इतने समय में राम वहां आकर चले गए, चंदन वो अपने हाथ से लगाकर चले गए। आया जो होश तो तुलसी ने लोगों से पूछा यहाँ कौन आया था। लोगों ने कहा एक नौजवान आया था, आकर चला गया। चंदन वो अपने हाथ से लगाकर चला गया। इतना सुना जो तुलसी ने उन्हें हो गया मलाल, आंखों से अश्क छलके उन्हें आ गया ख्याल। लड़खड़ाते हुए कष्ट पाते हुए हरि चरणों में और ये कहते हुए, थोड़ी देर ठगरो राम, थोड़ी देर ठगरो राम। और किसने कहा सुनना चाहोगे? कौन कौन सुनना चाहेगा जरा बताओ एक बार। एक दो तीन चार। सुनो, एक रोज की कहानी सुन लो मेरी जुबानी, दशरथ के दोनों प्यारे शबरी के घर पधारे। मारे खुशी के शबरी फूली नगी समाई, क्योंकि हमारे घर में आए के दोनों भाई। क्या लाऊं क्या खिलाऊं ये सोचती थी मन में, फल तोड़ने के खाते जल्दी से पहुंची वन में। फल तोड़ती जाती थी पहचान चक्के करती, खट्टा था जो वो फेंका मीठा था जो वो धर ली। समझ में आ रहा है? शबरी माँ ने पहले खुद चखा, क्या ये मैं खा सकती हूँ? अगर मैं खा सकती हूँ तो भगवान को भी खिला सकती हूँ। और हम लोग क्या करते हैं? जब घर में पूजा का घी चाहिए होता है तो दुकानदार के पास जाते हैं। दुकानदार से कहते हैं घी चाहिए, कहते हैं कौन सा? पूजा वाला। कहते हैं हाँ। कह रहे मैडम ये ले जाओ, ये पूजा वाला अलग है और खाने वाला। जोर से बोलो, खाने वाला अलग है। जो मैं नहीं खा सकता वो भगवान को खिला रहा हूँ। ताली बजाओ एक बार।
मैहर जाओगे माँ का श्रृंगार लेकर, एक 10 रुपए का पैकेट जिसमें एक बिंदी, एक लिपस्टिक, एक चंदन, एक चूड़ी, 10 रुपए का, 20 रुपए का पैकेट माँ को श्रृंगार में चढ़ाओगे। और अपना जब श्रृंगार करते हो तब 2500 की एक आती है लैक्मे का, मे ब्लैक का, ताली बजाओ एक बार अपने लिए बढ़िया बढ़िया, और भगवान के लिए सबसे बेकार, क्योंकि वो तो पंडित जी को जाना है, क्या करेंगे इसका, ताली बजाओ एक बार। शबरी माँ ने ऐसा नहीं किया, खट्टा था जो वो फेंका, मीठा था जो वो धर ली, टूटी सी झोपड़ी में, ताली बजाओ एक बार। भगवान राम एंटीलिया नहीं रुके थे, शबरी के यहां रुके, विदुर के घर रुके, टूटी सी झोपड़ी में बैठे हैं दोनों भाई, ताली बजाओ एक बार। टूटी सी झोपड़ी में बैठे हैं दोनों भाई, चरणों में ला के रखा, आने लगी रुलाए, बलराम ने उठाया, लक्ष्मण ने मुड़क देखा, खाएंगे कैसे भैया, फल लाई है ये जूठा, तब राम ने समझाया, लक्ष्मण को मेरे भैया, फल तोड़ती थी जिस दम, लेती थी नाम हमारा, फल उठा करके राम खाने लगे, दिया शबरी को वरदान, जाने लगे, तब शबरी ने हरि चरणों में की प्रार्थना, थोड़ी देर ठगरो राम, थोड़ी देर ठगरो राम, तमन्ना यही है, अभी गम ने जीवर के देखा नहीं है, अभी हमने जीवर के देखा नहीं है, थोड़ी देर ठगरो राम, थोड़ी देर ठगरो राम, तमन्ना यही है, अभी गम ने जीवर के देखा नहीं है, अभी हमने जीवर के देखा नहीं है, मन भूल बिसर मत जा दो, मन भूल बिसर मत जा दो, कीर्तन भाई जो जी तो कैसा, आजकल वाला वो 7 दिनों वाला नहीं, अभी प्रेम दिवस गया ना, वो 7 दिन वाला प्रेम नहीं करना, प्रेम करना तो कैसा करना, प्रीत करो तो ऐसी करना जैसे सूत कपास, भैया प्रीत करो तो ऐसी करना जैसे सूत कपास, प्रीत करो तो ऐसी करना जैसे सूत कपास, जीते जी तो तन ढके, मरे तो जावे साथ, भैया प्रीत करो तो ऐसी करना, प्रीत करो तो ऐसी, प्रीत करो तो ऐसी करना, प्रीत करो तो ऐसी, हा हा हा, प्रीत करो तो ऐसी करना, तो ऐसी प्रीत करो तो, प्रीत करो तो ऐसी करना कैसी करना, प्रीत करो तो ऐसी करना, प्रीत करो तो ऐसी करना जैसे लोटा डोर, प्रीत करो तो ऐसी करना जैसे लोटा डोर, गला फसावे आपनो पानी पीवे और, भैया प्रीत करो तो ऐसी करना, प्रीत करो तो ऐसी, हा हा हा, प्रीत करो तो ऐसी करना, प्रीत करो तो ऐसी, हो प्रीत करो तो करना, प्रीत करो तो ऐसी, मन भूल बिसर मत जा दो, मन भूल बिसर मत जा जो, प्रीत निभाई जो जी भगवान, मन भूल जा जो, सांचे दरबार की जय, हारे के सहारे की जय, लखदातार की, सन्यासी बाबा की जय, बालाजी महाराज की जय, श्याम सरकार की जय,
बागेश्वर धाम सरकार की जय, सांची दरबार की जय, कर वीर बजरंगी हर हर महादेव। बहुत बहुत प्रणाम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। पहला कर राम के थे राम के हैं हम राम के रहेंगे, राम के थे राम के हैं हम राम के रहेंगे। अभी अभी एक भजन आया जिसे संस्कार टीवी ने भी बड़ा प्यार दिया, मेरे बड़े भाई मनोज त्यागी भैया और तमाम मेरे बड़े भाई मनोज तिवारी जी जिन्होंने इसमें आशीर्वाद दिया, मेरा छोटा भाई अमित डुल और मैं तो आपके बीच में गा ही रहा हूं। पहले कहते थे खुद से अब दुनिया से कहेंगे, पहले एक वो दौर था राम का नाम बड़े डर के साथ दिया जाता था, एक वो दौर था जब राम का नाम लेने से पहले 10 बार आदमी सोचता था, जब एक अधिकारी व्यक्ति कहा करता था, एक अधिकारी पार्टी कहती थी कि राम काल्पनिक है, आज उसका अस्तित्व खतरे में। राम के थे हम राम के रहेंगे, राम के थे राम के हैं हम राम के रहेंगे। एक वो जमाना था रे वाह, पहले कहते थे खुद से अब दुनिया से कहेंगे, कहते थे खुद से अब दुनिया से कहेंगे। सारा देश सारा विश्व संस्कार टीवी के माध्यम से ये पूरा 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 कार्यक्रम देख रहा है, ये यज्ञ देख रहा है। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ, दोनों हाथ खोल के बाद और ताली बजा के गाना, राम के थे राम के हैं हम राम के रहेंगे।
मिलकर सारे झूमो गाओ। देखो राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और हैं, 500 साल लग गए कानूनी लड़ाई लड़ने में, लेकिन कन्हैया का ध्यान रखना वो 16 कला संपूर्ण है, उनको इतना समय नहीं लगने वाला है। दोनों हाथ को लेके एक बार, कौन सा पिछला वाला? राम के थे राम के हैं हम राम के रहेंगे।
कितने अपना ये दोनों हाथ खोल के बाहर ताली बजाकर खुशियां मनाकर गाना कहना, अरे ये खुशहाली वाला सूरज राते गिन गिन आया है। खुशी मनाओ राम लला घर, राम लला घर, एक बार जोर से बोलना, राम के थे राम के थे राम के थे। सुनो ये कृपा की बात है जो बरस रही है। एक वो जमाना था ये देखो बधाई, नोटों से मुझको प्यार भी गए गए दिल दीवाना नोटों का, ये दिखाया ना करो नोट, इससे मामला बदल जाता है, दिमाग इधर उधर चला जाता है। नोटों से मुझको प्यार भी गए गए दिल दीवाना नोटों का, गोली का निशाना चूके अगर तो लगे निशाना नोटों का, ये डॉक्टर मुंशी नोटों के और पुलिस थाना भी नोटों का। और जब मैं घर में घुसा बहन सुनो मेरी बात, जब मैं घर में घुसा तो हमारी धर्म पत्नी ने ताना मारा नोटों का, ये 500-500 के दो नोटों से काम नहीं चलता, एक बंडल लाना नोटों का, है ना? क्या क्या नोटों पे क्या गांधी जी छपे हैं, आए थे लंगोट में छप गए नोट में। प्रेम से बोलो साचे दरबार की। एक वो जमाना था ठोर ना ठिकाना था, देखते कि हमें आके फेरता जमाना आके फेरता जमाना आके फेरता जमाना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे, बागेश्वर धाम के पावन चरणों में बैठा हूँ महाराज, गुरुदेव मन की बात जान लेते हैं, यहाँ झूठ बोलना भी पाप है। मैंने वो समय देखा है, मेरे अपने रिश्तेदार मुझे पहचानते नहीं थे, शादी ब्याह में मुझे बुलाया नहीं जाता था, हमारे माता पिता को बुलाया नहीं जाता था, क्यों? क्योंकि पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे, हमें लोग पहचानते नहीं थे। लेकिन आपका नाम आया है जब से मेरी जुबान पर, आपका नाम आया है जब से मेरी जुबान पर, रहमत बरस रही है मेरे पूरे खानदान पर। एक वो जमाना देखा कि कोई पास में नहीं बिठाता था, एक वो जमाना देखा कोई बात नहीं करता था, एक वो जमाना देखा कि कोई पहचान बताने में शर्माता था। और आपका नाम क्या गाने लगा, आपके नाम से क्या पहचान मिल गई आज। आज जो बात नहीं करते थे कि जिनके जवाब ना आते थे अब उनके सलाम आने लगे, अब जिनके जवाब ना आते थे अब उनके सलाम आने लगे, जिनके जवाब ना आते थे अब उनके सलाम आने लगे। और आपने क्या हाथ पकड़ा मेरा मेरे बाबा, मेरी नीम के पेड़ पे आम आने लगे। वो जमाना देखा है जो बुलाते नहीं थे ना, जिन्हें शर्म आती थी हमसे बात करने में, आज महाराज की कृपा से गुरुदेव के आशीर्वाद से आज वो बगल में बिठा के सेल्फी लेते हैं बॉस, और अगले मिनट पोस्ट करते शीतल पांडे माई स्वीट ब्रो। एक वो जमाना था ठोर ना ठिकाना था, देखते कि हमें आके फेरता जमाना था, किस्मत बुलंद रातों रात हो गई, किस्मत बुलंद रात हो गई, सारे कहते हैं के करामात हो गए, सारे कहते हैं के करामात हो गई, कब से तेरी मेरी मुला, कब से तेरी मेरी मुला। अरे आप कहीं जाकर बस इतना कह दो कि हम बागेश्वर वाले हैं,
तुरंत कहेगा भाई साहब नंबर देना, भाई साहब नंबर देना जरा, आप कहीं कह दो हम खाटू वाले हैं, भाई साहब नंबर देना जरा, क्योंकि उसे पता है कहीं ना कहीं बंदा काम आने वाला है। किस्मत बुलंद रातों रात हो गई, किस्मत तेरी मेरी मुलाकात हो गई, जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई, सारे कहते कहते करा। अब किस किस के एग्जाम करा बात हुई है, जरा हाथ में करना ऐसे, और टेढ़े मेरा हाथ नहीं होने चाहिए भैया, बागेश्वर वाला दोनों हाथ खोल के बाजा हो। यहीं तक की हाजिरी है, लेकिन मैं फिर दो लाइनें कह के जाऊंगा,
आजकल 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 आपके बाबा चर्चे हर जमान पे, आजकल आपके बाबा चर्चे हर जबान पे, दुनिया हो गई है दीवानी मेरे सरकार के, आजकल आपके बाबा चर्चे हर जबान, दुनिया हो गई है दीवानी मेरे सरकार। किस किस की दीवानी है जरा बताओ। यूं तो हमने लाख तुम सबको बहुत बहुत प्रणाम। बड़ी खुशियों के साथ आज बागेश्वर धाम से मैं यहाँ खुशियां बटोर कर जा रहा हूँ। सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक फिर रात ही रात होगी, मुसाफिर को तुम भी मुसाफिर गए हम भी। रात को 10:30 बजे संस्कार चैनल पर मुलाकात होगी। आप सबको प्रणाम, आप सबको बहुत बहुत बधाई। बागेश्वर धाम सिद्धपीठ के हमारे आदरणीय परम पूजनीय गुरुदेव, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। दोनों हाथ खोल के एक बार तालियां बजा के जय श्री श्याम बोल बागेश्वर धाम की, बोले सन्यासी बाबा की, बोले परम पूजनीय श्री बागेश्वर धाम सरकार की। आप सबको प्रणाम। अच्छा लगा हो तो इस बच्चे को अपना जरूर आशीर्वाद दीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। आप सबको प्रणाम। तमाम समिति के सदस्यों को बताऊं, एक बार मेरे म्यूजिशियन भाइयों के लिए जोरदार ताली बजा दे, जिनकी वजह से आप इतना झूमे, आपको बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री श्याम। एक बार शीतल भैया का ताली बजाकर जोरदार स्वागत करें। निश्चित ही बहुत सुंदर आपने गायन किया, ऐसा लग रहा था रात्रि भर आपकी गायन चलती रहे और हम लोग आनंद लेते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे बागेश्वर धाम परिवार की ओर से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हम लोग आगे के कार्यक्रम की ओर बढ़े। सिद्ध की धमाल अफ्रीकन फोक डांस गांधी धाम गुजरात से आए हैं। बड़ा सुंदर इनकी प्रस्तुति है, आप सब देखें। इनके पूर्वज आजादी के पहले अफ्रीका से गुजरात आए थे और जिनकी प्रस्तुति होने वाली है उनके पूर्वज आज से आजादी से पहले अफ्रीका से गुजरात आए थे और हमारे देश में हमारे देश के बासी हुए और आज इनकी यह दिव्य प्रस्तुति यहाँ पर होगी। इसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम होने वाला है, जवाबी कीर्तन जो ससीराज कमल राय बरेली और कल्पना दुबे कोच इनके द्वारा जवाबी कीर्तन होगा। आप लोग जरूर सुने, सभी से करबद्ध प्रार्थना है सभी लोग बैठ जाएं और अभी हमारे बागेश्वर धाम परिवार के सभी पट्टिका उड़ा करके चित्रपट देकर शीतल जी का स्वागत करेंगे। सभी लोग एक बार ताली बजा करके स्वागत करें अगली प्रस्तुति का। जय जय श्री राम। शीतल भैया सीताराम आए आप एक बार, यही से कर नहीं यहाँ से, हाँ शीतल भैया आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हो। पट्टिका उड़ा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वध सर्वा स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब हम लोग अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं। बोलिए बागेश्वर धाम की, सतगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। और जितने भी शीतल भैया के साथ आर्टिस्ट लोग हैं गंधर्वजन हैं सभी लोग यहाँ आए और श्री बागेश्वर बालाजी की पट्टिका को स्वीकार करें। आप लोग अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं। हम लोग जय सियाराम।
इसके बाद अगली जवाबी कीर्तन की प्रस्तुति है, वह तैयार रहे मंच पर शशिराज कमल किशोर राय बरेली और कल्पना दुबे कोच से आए हैं, आप लोग अगली प्रस्तुति के लिए तैयार रहे। जय जय सीताराम। राम चंद्रभान की पत्नी ग्राम सेवनी जिला फतेहपुर से गुम गई हैं, जहां भी गुमी हो आ जाए मंच के पास, उनके परिवारजन खोज रहे हैं। ये अनूठी प्रस्तुति आपके बीच बस चंद पलों में शुरू होने जा रही है। ये बागेश्वर धाम से जुड़े अफ्रीकन शिष्य मंडल के लोग हैं, आप देख सकते हैं एक अलग ही वेशभूषा और एक अलग ही उनका जो शारीरिक सौष्ठव है वो हेप, और ये अपनी देसी सबई 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 Hey.
Keep
तालियों से अभिनंदन कीजिए इन कलाकारों का। पिछले 20-25 मिनट से मुझे नहीं लगता कि यहां पंडाल में बैठे लोगों को कुछ समझ में आ रहा था भाषाई तौर पे, लेकिन आप सब चेहरे पर एक स्माइल थी, एक मुस्कुराहट थी, और कला की सुंदरता यही होती है कि वो आपकी भाषा में ना भी हो तब भी वो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती है। और पूज्य महाराज जी की कृपा भी कुछ इसी से मिलती जुलती है, वो जब होते हैं तो अनायास ही बगैर बात करे बगैर उन्हें सुने भी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। इन कलाकारों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये सिद्धि धमाल अफ्रीकन डांस ग्रुप था जो गांधीधाम गुजरात से आया था। मूलतः अफ्रीकी लोग हैं लेकिन इनके पूर्वज भारत में आ गए थे आजादी के पहले, और अब ये अफ्रीकी भारतीय मूल के लोग हैं और कई प्रस्तुतियां इनकी भारत के अलग अलग हिस्सों में होती हैं। बुंदेलखंड का ये महाकुंभ भी इनकी प्रस्तुति से खिल गया है। कुछ और प्रस्तुति अगर बची हो तो वो भी प्रस्तुत करें, अन्यथा अब हमारे बीच आज का जवाबी कीर्तन कार्यक्रम प्रारंभ होगा। और जवाबी कीर्तन, जो लोग बुंदेलखंड से बाहर के लोग हैं उन्हें बता दें कि ये बुंदेली लोक कला का एक